ऑल राइट गाइज, वेलकम टू बॉडी बिल्डिंग गुरु। दोस्तों, आज की हमारी सभी अपडेट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं एमेचर ओलंपिया 2024 से। तो गाइज, यहाँ की डेट फाइनल हो चुकी है, ये होने वाला है 20, 21 और 22 दिसंबर को, जिसमें 20, 21 दिसंबर को होने वाले एमेचर शोज और प्रो कार्ड मिलेंगे सभी बॉडी बिल्डर्स को। बात करें 22 दिसंबर की, तो गाइज यहाँ पर होगा 22 मुंबई प्रो शो। और हाँ, यहाँ पर कॉम्पीट करने वाले सभी बॉडी बिल्डर्स के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस बार मुंबई प्रो शो और एमेचर ओलंपिया को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कई इंडियन प्रोज और अदर कंट्री के बॉडी बिल्डर्स आने वाले हैं। इनके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे अदर कंट्री के बॉडी बिल्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा अलेस एंद्रो से। आई होप मैंने इनका नाम सही प्रोनाउंस किया है। तो गाइस, इन्होंने यूरोपा प्रो शो को जीत कर क्वालिफाई कर लिया है ओलंपिया के लिए, तो इनके लिए बिग कॉन्ग्रेचुलेसन। आप इनकी बार फिजिक पर फोकस करिए, कितनी बिगर और मैसिव है। साइज के मामले में चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा थिकनेस है, शोल्डर्स राउंडर हैं, बैक काफ़ी ज़्यादा डेंसर और मास से भरी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये इस साल के ओलंपिया में टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर आप आएंगे? कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताएँ। और साइज के साथ साथ इनकी कंडीशनिंग भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। इनके बाद में बात कर लेते हैं हम सभी के फेवरेट बॉडी बिल्डर अली बिलाल के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अली बिलाल इस बार एक बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन देने के लिए जा रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में, और इन्होंने अपना 3 वीक्स आउट वाला फिजिक अपडेट हम सभी के साथ में शेयर किया है, जिसमें आप देख ही सकते हैं उनके एब्सेंट ऑब्लिक्स कितने ज़्यादा श्रेडेड और क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल लाइन्सदार और एब्स पॉपअप हो रहे हैं। चेस्ट में फाइबर्स हैं और शोल्डर के काफ़ी वाइड नज़र आ रहे हैं, वेस्ट नैरो है, जिसकी वजह से एक मेंस फिजिक का बहुत ही बढ़िया वी टेपर क्रिएट हो रहा है। तो गाइस, आपको क्या लगता है अली बिलाल भाई इस साल ओलंपिया में टॉप 5 के अंदर प्लेस हो पाएंगे या नहीं? मुझे तो इस बार लग रहा है अली भाई डेफिनेटली क्रैक कर जाएंगे टॉप 5 को, पर आप अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर लिखें। इनके बाद में दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी अपडेट दिखाना चाहूँगा जिसके बारे में हम सभी ने कभी सोचा भी नहीं था, वो है शिवम की। तो आप यहाँ देख सकते हो, शिवम हमें पोज करते हुए नज़र आ रहे हैं मेंस फिजिक वाला। हम सभी पहले सोच रहे थे कि शिवम मेंस ओपन में स्विच कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, पर दोस्तों, ये अपनी हाइप बनाने के लिए, अपने इंस्टा पोस्ट के लिए सिर्फ यह वीडियो शेयर किए हैं, और इनकी यह पोस्ट इस टाइम सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है और इनका कंपैरिजन किया जा रहा है रायन टेरी और कई बॉडी बिल्डर्स के साथ में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए शिवम के स्ट्रक्चर को, तो ये मेंस फिजिक डिवीजन में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट बैठ रहे हैं, लेकिन साइज का इश्यू यहाँ पर थोड़ा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं शिवम मेंस फिजिक में तो कभी भी स्विच नहीं करने वाले, करेंगे तो सिर्फ मेंस ओपन में। पर यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार इनकी फिजिक अपडेट को। तो गाइज, फिजिक के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कई बॉडी पार्ट्स पर काम किया है, जैसे लैट्स इनके पहले थोड़े डाउन हो चुके थे, वो यहाँ पर बढ़िया नज़र आ रहे हैं, और बाइसेप्स के अंदर जो थोड़ा बहुत टीयर था वो भी इस टाइम सही हो रहा है। और बात करें लेग्स के बारे में, तो गाइस इनके शॉर्ट्स के अंदर आप लेग्स में जो क्वार्ट्स नज़र आ रहे हैं उनमें देख सकते हो डेंसिटी और क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो दोस्तों, हम शिवम की फिजिक अपडेट को देखकर कह सकते हैं ये अपना 6th टाइटल इजीली जीत लेंगे। तो गाइस, इनके बारे में आपके क्या थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं और इनकी ये फिजिक अपडेट आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद में दोस्तों, हमारी अपडेट है डेरेक लंसबर्ड की तरफ से। तो गाइस, डेरेक ने हाल ही में अपनी ये पोस्ट शेयर करी है, जिसमें हम देख ही पा रहे हैं इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हार्डर साइड पर है, चेस्ट के अंदर फाइबर्स, शोल्डर के अंदर फाइबर्स और जो बाइसेप्स के अंदर हार्डनेस देखने को मिल रही है वो पहले कभी नहीं हमने देखी थी, क्योंकि लोग इन्हें पहले कहते थे सॉफ्ट मिस्टर ओलंपिया, क्योंकि दोस्तों इनकी चेस्ट भी काफ़ी सॉफ्ट होती है और बाइसेप्स के अंदर भी सॉफ्टनेस हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, डेरेक ने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है, चाहे आप उन्हें बैक से देखो या फिर फ्रंट से। और जो लोग कहते थे कि चेस्ट के अंदर फाइबर्स इनके नहीं दिखाई देते, तो इस बार के ओलंपिया में फाइबर्स भी हम सभी को दिखाने वाले हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है, क्या इस बार ये हार्डी को बीट कर पाएंगे, अपने ओलंपिया का टाइटल फिर से ले पाएंगे या नहीं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, आपको डेरेक की ये फिजिक अपडेट कैसी लगी और इनके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। इनके बाद में बात कर लेते हैं जॉन प्रेडल्स की अपडेट के बारे में। तो गाइस, इन्होंने अपने इंस्टा पर कुछ पोस्ट शेयर करी थी, जिन्हें मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इन्होंने इतनी ख़तरनाक ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी को एक साल के अंदर करके दिखाई है,
जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। तो गाइज ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जॉन प्रेडल्स की वन ईयर की ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसी नज़र आ रही है। हम जिस एंगल से देखें उस एंगल से इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स करके दिखाई हैं, चाहे आप साइज में देख लो, कंडीशनिंग में देख लो, या फिर मसल मैच्योरिटी के साथ साथ हार्डनेस और सॉफ्टनेस में देख लो। यहाँ पर सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है बैक और लेग्स के अंदर, मिड सेक्शन भी काफ़ी टाइट और हार्ड हो चुका है। तो दोस्तों ये थी इनकी वन ईयर की ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और क्या आप भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहेंगे तो जल्दी जिम जाना स्टार्ट कर दें और अपनी डाइट पर फोकस कर लें। इनके बाद हमारी अपडेट है पैट्रिक मोर की तरफ से। तो गाइस पैट्रिक ने काफ़ी टाइम के बाद में एक प्रो शो खेला है जो है यूरोपा प्रो, जहाँ पर ये हमें नज़र आए मेंस ओपन में। लेकिन दोस्तों इस बार ये यहाँ पर टॉप 5 से बाहर हो चुके हैं, पर कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी थी, पहले से बेटर इम्प्रूव्ड पैकेज लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि इनसे भी बेटर एथलीट्स आ गए और उन्हें बीट कर गए। तो दोस्तों आगे अभी अपना कमबैक करने वाले हैं, देखते हैं पैट्रिक मोर का कमबैक कैसा रहता है और क्या ये क्वालिफाई कर पाएंगे आने वाले सालों में ओलंपिया के लिए, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और बॉडी बिल्डिंग की डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।